एचएल टीवी न्यूज। यस बैंक द्वारा आयोजित यस आई एम चेंज मूवमेंट 2015 को सपोर्ट करने पहुंची अभिनेत्री विद्या बालन और उनके साथ विकास बहल और मेघना गुलजार भी। Winners of world's largest social film movement Yes I Am The Change 2015 विद्या ने अपने हाथों से सम्मानित किया और उन्होंने यहां पर बात भी की। विकास बहल ने यहां पर बात करते हुए कहा कि सोशल इशू पर कोई फिल्म नहीं बनाना चाहते, शानदार के बाद अब वो सोशल इशू पर फिल्म जरूर बनाएंगे। विद्या बालन ने बात करते हुए कहा कि अब मैंने शूटिंग कंप्लीट की है फिल्म 3 का स्केड्यूल। अपने हेल्थ के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। साथ में अपने और सुजोय के बारे में बताया कि सब कुछ ठीक है। 2500 शहरों के 500,000 यूथ द्वारा बनाई गई इंडिया टॉप सोशल फिल्म में से सिलेक्ट किया गया यहाँ पर बेहतरीन सोशल इशू पर बनाई गई फिल्मों को। आई थिंक यू नो, जब हम सोशल कॉज की बात करते हैं तो जिस तरह से हम सोशल कॉजेज को समझते हैं, लगता है कि कुछ लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और शायद कुछ बदलाव आएगा, कुछ परिवर्तन हम देख पाएंगे समाज में, दुनिया में वगैरह वगैरह। पर आई थिंक आज एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ स्पेशली लोग जो हैं सोशल मीडिया को अपना रहे हैं अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने, और इस वक्त में आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यस आई एम द चेंज, जहाँ पे यूथ को ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि जो भी आपका ओपिनियन है वो आप फिल्म के द्वारा एक्सप्रेस करें। हम आपको एक टॉपिक देंगे, अ सोशली रेलेवेंट टॉपिक, और जिस तरह से आप लोगों तक कोई संदेश पहुंचाना चाहें आप पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई देर इज नो जजमेंट हियर, देर इज ओनली इट्स क्रिएटिव, इट्स एक्सप्रेसिव। तो आई थिंक फिल्म इज अ वेरी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल मीडियम, सो वॉट बेटर वे देन। और आजकल तो सब अपने वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसके द्वारा तो लोग मोबाइल फोन पे भी फिल्म शूट करके कंपटीशन में एंटर कर सकते हैं। क्या आप कभी खुद शॉर्ट फिल्म में काम करना चाहेंगे किसी, क्योंकि उसी का दौर है आजकल? हाँ बिल्कुल, आई थिंक मैंने हर मीडियम में काम किया है, टेलीविजन में, एड फिल्म्स में, तो अब यही थिएटर नहीं किया है और शॉर्ट फिल्म नहीं किए हैं। सुजॉय घोष ने भी एक बहुत पॉपुलर शॉर्ट फिल्म बनाई थी, थोड़ा साइलेंस साइलेंस। विद्या पीछे ले ले भाई। विद्या, आप खबरें थी दैट यू वर नॉट वेल रिसेंटली एंड यू वर हॉस्पिटलाइज्ड, सो हाउ आर यू नाउ? ओह, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, इट्स जस्ट वन ऑफ दोस फ्रीक थिंग्स। एग्जैक्टली हुआ क्या था, बिकॉज आपको ट्रिप कैंसिल करना पड़ा था? एंड हाँ, इट वॉज अ किडनी स्टोन इश्यू, बट इट्स सॉर्टेड नाउ, सो इट्स फाइन। रिपोर्ट्स में आई थी कुछ साइड इफेक्ट्स हो गया था। किसका? सम पिल्स। मैंने तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं बताया गया, तो आपको ज़्यादा खबर लगती है। अच्छा, सोशल इश्यूज़ आजकल बॉलीवुड में बहुत कम, तो वही तो खास है इस तरह के एक यू नो इनिशिएटिव का, कि आप मुद्दा उठा के फिल्म नहीं बना रहे, वो कभी कभी लोगों को बहुत भारी लगने लगता है। पर अगर मैं अपने तरीके से कोई स्टोरी कहना चाहती हूँ, मैं रास्ते पे कुछ देखती हूँ और मैंने उसको यू नो कैमरा में कैप्चर किया, और इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक स्पॉन्टेनियस वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी और गिविंग अ मैसेज। ये मैसेज वाली फिल्म्स आजकल काम नहीं करती, कोई ये जानना नहीं चाहता कि ये अच्छा है ये बुरा है, आप ये कीजिए ये मत कीजिए। हम सबके ओपिनियंस हैं और हम सब जानते हैं कि हम किस चीज़ से सहमत हैं नहीं हैं, या फिर वी बिगन टू फॉर्म आर ओपिनियंस एंड वी वॉन्ट टू बी लेट टू फॉर्म आर ओन ओपिनियंस, वी वॉन्ट टू बी लेट टू बी फॉर्म आर ओन ओपिनियंस। अच्छा, आप सुजॉय घोष की फिल्म करी से खबर आई है, कहानी पार्ट टू है, उसके बारे में बताइए कुछ। मैं क्या बताऊँ, सुजॉय मैं साथ में काम कर रहे हैं, कल ही हमारी 3 की शूटिंग खत्म हुई, मतलब मेरी शूटिंग खत्म हुई कल रात को, और हाँ हम साथ में काम कर रहे हैं फिर से कहानी 2 पे। हाँ वो तो बहुत पहले मैं आपको विद्या बालन नहीं लगती, ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। थैंक यू। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।